व्यवस्था कैसे है बताइए और ये चारों तरफ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगल बा एकदम चारों तरफ एकदम बहुत जबरदस्त ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ का तो काफ़ी पी रहे हैं बताइए ठंडी में दही बाड़ा खाने के बाद ये सर जी हैं दही बाड़ा खाने के बाद ना काफ़ी पी रहे हैं समझिए ये एकदम डायरेक्ट नुकसान करने वाली चीज़ लेकिन एक तरह से नुकसान नहीं करेगा ठंडा हो जाएगा तो नहीं करेगा क्योंकि दूध से दही बाड़ा और दूध से ये क्या कॉफ़ी है चलिए नुकसान नहीं करेगा खाना थोड़ा कम खाएंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारे नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही एक खास जगह ले चलने वाले हैं जो कि आज हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ चलना है। देखिए आज तो हम आ गए हैं, इस समय देखिए अभी हम आ गए हैं दुकान पे, अभी जस्ट दुकान पे, और यहाँ पे देख लीजिए कि अभी भी मौसम आज का बहुत ख़राब हो चुका है और विजय भी है नहीं इस समय, क्योंकि विजय देखिए लगन का सीज़न चल रहा है ना, तो विजय भी गए हैं अपने लगन वगन के सट्टा में, बाबू थोड़ा लेट कर दिया था। तो देखिए अभी हम जस्ट आए हैं यहाँ पे दुकान पे, हाँ, और देखिए अभी इस समय सारी दुकानें लगभग बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि तैयारी भी करना है, कुछ दुकान का काम भी करना है इस समय, मतलब बहुत सारा लगन का सीज़न चल रहा है तो इसमें कार्ड वगैरह ये फ़ोटो वोटो जो बनता है शादी विवाह वाला ये सब एकदम मतलब उसका सब रेडी करना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लगन भी बहुत तगड़ा चल रहा है इस समय और बाबू भी लेट कर दिया था। तो आज हम आप लोगों को देखिए दोस्तों, आज अपने इस नए ब्लॉग में आप लोगों को एक जगह बहुत ही अच्छी जगह ले चलेंगे, दिखाएंगे कि वहाँ का डेकोरेशन क्या है और शादी विवाह का फंक्शन है तो वहाँ पे हम आप लोगों को ले चलेंगे। लीजिए दोस्तों, तो देख लीजिए ये जो टीवी का स्विच है ना, ये आ नहीं रह गया था यहाँ पे, देख लीजिए टीवी चालू ही रह गया था और जल्दी में हमको निकलना था, एक शादी समारोह में फंक्शन था तो उसी में कल हम चले गए थे और आज भी एक लगन है तो उसी में अटेंड करने के लिए हमको चलना है। तो हम आप लोगों को ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ का पोजीशन, क्योंकि दो तीन दिन से वहाँ सजाम चल रहा था और आज है वहाँ का तिलक, तो वहाँ पे आज हम आप लोगों को ले चलेंगे और दिखाएंगे आप लोगों को नए ब्लॉग में। दोस्तों तो देखिए बज गया है, लगभग 3 बज गया है इस समय और इतना ज़्यादा समझिए कि नाश्ता पानी लेके आए नहीं थे, थोड़ा भूख लग गया है, अब भूख लग गया है ना, तो देखिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एक नया चीज़ लेके आए हैं। तो दोस्तों देखिए कोकोनट बिस्कुट से काम चलाना पड़ रहा है, भूख लग गया है ना दिन में तो भूख लग गया, विजय नहीं आए थे ना तो हम कहे कि क्या टिफ़िन लेके जाएंगे, टिफ़िन नहीं लेके आए, हाँ टिफ़िन लेके आए नहीं, हमको लग गया है भूख तो क्या करें, बिस्कुट लेके काम चला रहे हैं, जानते ही हैं शाम को चलना है एक बारात में, मतलब तिलक है, तिलक में चलना है तो वहाँ पे जानते हैं तेलास वाला चीज़ मिलेगा, फिर हम कहें कि चाट वाट कुछ खाने से कुछ फ़ायदा है नहीं, तो कहें कि बिस्कुट से काम चला लेते हैं फिर शाम को भोजन तो मिलवे करेगा। दोस्तों देखिए शाम का समय हो गया है, अब इस समय है नहीं कोई, अब हमको निकलना है एक तिलक समारोह में तो वहाँ पे अब चल रहे हैं, देखिए अब दुकान वकान भी अब सब तैयारी कर रहे हैं, हाँ क्योंकि अब शाम का समय हो गया है तो अब निकलना भी ज़रूरी है। तो अब हम चल रहे हैं, थोड़ा अब बढ़ा रहे हैं दुकान और उसके बाद से हम निकलेंगे वहाँ तिलक समारोह के लिए, सब लाइट वाइट देखिए इस समय सब जल रहा है लाइट वगैरह, तो लाइट वगैरह सब बंद कर दें, उसके बाद से चल रहे हैं और वहाँ पे आप लोगों को दिखा रहे हैं पोजीशन वहाँ का, और यहाँ पे देख लीजिए बाबू का एक फ़ोटो है ये भी बन के आ गया है,
देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका फ्रेम भी बहुत जानदार है। एक आदमी का और फरमाइश था तो यहाँ पे ये बनवा दिए हैं उनका, और बाबूजी लोग अभी तो फोटो बनाई है। तो अब हम चल रहे हैं, देखिए सिस्टम वस्टम सब एकदम बंद हो गया है, अब हम निकल रहे हैं वहाँ पे तिलक समारोह के लिए, और वहाँ पे चल रहे हैं, देख रहे हैं क्या पोजीशन है वहाँ का। जब हमने के रिकॉर्डिंग करे हुए पहुंची ना ही घर रही है। हो वाला उधर मीठा वाला चटनी गिराओ, गिराओ इतना भीड़ होता बनते कहीं खत्म हो जाता। अरे और कोई व्यवस्था कैसा है बताइए बस है। और ये चारों तरफ देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगल है एकदम चारों तरफ एकदम बहुत जबरदस्त, व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ का है। काफी पी रहे हैं बताइए, ठंडी में दही बाड़ा के बाद, दही बाड़ा खाने के बाद ये सर जी हैं, दही बाड़ा खाने के बाद काफी पी रहे हैं, समझिए ये एकदम डायरेक्ट नुकसान करने वाली चीज़ है। लेकिन एक तरह से नुकसान नहीं करेगा, ठंडा हो जाएगा तो नहीं करेगा, क्योंकि दूध से दही बाड़ा और दूध से ये क्या कॉफी है, चलिए नुकसान नहीं करेगा। खाना थोड़ा कम खाएंगे हम लोग। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, व्यवस्था जन बा ना बैठे वाला ये और जानदार बा, आराम से मान लीजिए यहाँ पे नाश्ता पानी भी आदमी कर लिया है, मान लीजिए कि न्योता होता भी आराम से आदमी यही रिकॉर्डो पहुँचेंगे। हाँ किस नाम से है? डिवाइन पब्लिक स्कूल घाटी। हाँ कहाँ पे ये? घाटी बैंक के नीचे। तो भेड़िया सब खत्म हो गई बा, तो हमने के लेट आइले बनी जाइए, देख ले चारों तरफ एकदम व्यवस्था बहुत लंबा चौड़ा। अरे अपना खुद का टेंट है इनका, टेंट में ही सुना आराम रहा है ना, तो मान लीजिए कि इतना लंबा चौड़ा यहाँ पे बना है चारों तरफ पूरा, देखिए आगे से पीछे पूरा एकदम पूरा सजा दिया, चार दिन में सजा है, चार दिन में सजा है, चार दिन का प्रोग्राम तो होता है, अष्टजाम हरुआ वाला डांस बहुत सारा चीज।
वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि मतलब वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो फिलहाल उन लोगों से गुजारिश है, थोड़ा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि प्यार दुलार बनाए दीजिएगा अपना, तो थोड़ा हम भी सक्सेस हो जाएंगे।